मैम अखिलेश यादव नहीं है तो मैं इसकी व्यवस्था मैम अखिलेश यादव जी मेट्रो से सफर करते हैं, रिवर फ्रंट जाते हैं, कहते हैं कि लखनऊ में भी विकास नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, आज भी हल्की सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, लोग घरों से निकल पाते, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको भी पानी से होकर गुजरना पड़ता है, आखिर क्या वजह है? स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से मैं बात करना चाहती हूँ। आदरणीय जब सरगुप्ता भाटिया जी पूर्व मेयर रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से मेयर रह चुकी है वो, और उनके जो है आप अपना कैमरा भैया इधर घुमा दीजिए, तो जो है मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़रूरी है हमारा कि हमारे 70वें पोजीशन से 5-स्टार रेटिंग के साथ लखनऊ को 70वें पोजीशन पर ले गए, आज की डेट में 12वें पोजीशन पर क्लेंजीनेस के माध्यम से, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स बोल रही हूँ। तो डेफिनेटली इस तरीके की बात कहना कि विकास नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ये बात मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति का है तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि यूपी में निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है, हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। धन्यवाद। स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, शहर के सरकार के, इसमें तमाम स्थानीय मुद्दे विकास के रहते हैं, लेकिन माफिया को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से ये मुद्दा रहा है लोगों के लिए? देखिए, ये माफियाओं के लिए जिस प्रकार से पूर्वांचल से माफियाओं का अंत किया गया है योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि लोगों से जुड़ता है, सीधा जुड़ता है, सुरक्षा कानून व्यवस्था एक सीधा मुद्दा है और इसीलिए लोग उस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालेंगे। और ये यहाँ का जो एक बड़ा मुद्दा एक और रहेगा वो है 2025 का कुंभ, क्योंकि कुंभ के लिए भी जो प्रयागराज की जनता है वो वोट डालेगी भाजपा के लिए।